अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लेवलिंग के ऊपर कि अगर हम वाटर लेवल के ज़रिए से अपने निशान लगाएं तो कितना टाइम लगता है, और अगर हम लेज़र लेवलिंग के ज़रिए से अपने निशान वगैरह लगाएं तो उसमें टाइम कितना लगता है और एक्यूरेट कितना होता है। पहले तो जब हमने अगर अपना फ्लोर वगैरह रफ़ करना हो तो अपने वाटर लेवल के ज़रिए से पहले उसके निशान वगैरह लगाते थे दीवारों के ऊपर। उसके बाद फिर हम अपने जो हमने एक एक दो दो निशान लगाए होते थे जिसे थिया बोलते हैं, फर्श को रफ़ करने के लिए, फिर वहाँ से सूत्र को बांध के दोनों तरफ फिर अपने सेंटर में और दूसरी जगह तीसरी जगह अपने पॉइंट वगैरह लगाते थे ताकि हमारा फर्श इस लेवल के ऊपर रफ़ हो। तो अगर हम लेज़र लेवल के ज़रिए से इस्तेमाल करें जैसा कि ये हम इस वीडियो में कर रहे हैं, तो ये होता है कि इसको आपने एक जगह पर सेट कर देना है कि अपना लेवल एक जगह पर फिट कर लेना कि हमारा ये लेवल इतना 2 फिट है 1.5 फिट है जैसे आपको रिक्वायर्ड हो। तो उसके बाद आपने बजाय के सूत्र के घुमाने से एक बंदा उधर सूत्र पकड़ के बैठते एक बंदा उधर, ये होता है कि एक बंदा ही पूरे फ्लोर के ऊपर आपके पूरे मार्किंग कर देता है। क्योंकि ये जो लेज़र लेवल हमारे पास है ये 360 डिग्री के ऊपर काम करता है, यानी कि अगर आप इसको कमरे के अंदर टाइलें वगैरह का काम कर रहे हैं तो ये आपको फ्लोर और आपकी दीवार और आपकी हत्ता के छत तक का आपको ये क्लियर लेवल देते हैं। तो इंशाल्लाह फर्दर मजीद डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।